हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल गर्ल्स इन रॉक हिंदी। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे हाउ टू रेंट एन अकोमोडेशन इन द यूके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कवर करने के लिए, स्पेशली जो यूके आने की कोशिश कर रहे हैं या इस वक्त नए प्रॉपर्टी को रेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज वीडियो अंत तक देखिए, ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। Absolutely. Cool. Yeah. Right. So, what are the different ways to find a property? Like. हाँ, तो यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं प्रॉपर्टीज रेंट के लिए जो अवेलेबल है फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला मेथड है लेटिंग एजेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे कई एजेंसीज होते हैं जहां पे उनके पास काफी सारे लैंडलॉर्ड्स के वेकेंट हाउसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। तो आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं, जिस एरिया में रहना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर एरिया के लेटिंग एजेंसी के पास जाइए और अपना नाम रजिस्टर कीजिए एंड वो आपको कांटेक्ट में लाएंगे अलग अलग लैंडलॉर्ड्स विद व्हाटएवर रिक्वायरमेंट यू हैव, लाइक वन बेडरूम हाउस या टू बेडरूम हाउस और व्हाटएवर आपका रिक्वायरमेंट हो, दे विल हेल्प यू कांटेक्ट। अब दूसरे ऑप्शंस ऑब्वियसली ऑनलाइन है, जैसे गमट्री हो गया या फेसबुक में भी कई ऑप्शंस है, ऐसे कई चीजें हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमसे पूछे द बेस्ट मेथड इज अ लेटिंग एजेंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपको आपके पास एक मीडिएटर होता है आपके तरफ से, सो दे विल कम्युनिकेट ऑन योर बिहाफ, है ना। तो कॉन्वर्जेशन में काफी ज्यादा क्लैरिटी भी होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक और बंदा वहां पे हाजिर होगा जो आपके विटनेस के तौर पे होगा। तो यहाँ पे यू नो कुछ फ्रॉड केस का कुछ मामला नहीं होगा, बहुत ही स्मूथ होगा। हाँ, तो वो प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होगा। यस एंड नेक्स्ट वन, हाउ मच शुड बी द डिपॉजिट? हाँ, तो यहाँ पे डिपॉजिट यूजली आपको 6 वीक्स मैक्सिमम का पूछेंगे। इन केस अगर लैंडलॉर्ड या कोई और ज्यादा वीक्स का अमाउंट पूछ रहा है, कभी कभी 2 महीनों का पूछ सकते हैं या 3 महीनों का, आप फुट डाउन करके आप बोल सकते हैं नो, बिकॉज लीगल रिक्वायरमेंट है 6 वीक्स का डिपॉजिट। सो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ 6 वीक्स का डिपॉजिट देना पड़ेगा। एंड हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पीपल शुड साइन अप फॉर द टेनेंसी फॉर? हाँ, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप घर देख लिए और सब आपको पसंद आ गया, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे ये लोग, अगर लेटिंग एजेंट के द्वारा जा रहे या डायरेक्टली लैंडलॉर्ड के द्वारा भी जाएंगे, आपको जरूर एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे। वहां पे मिनिमम पीरियड होगा 6 मंथ्स, तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स उस घर में रहना है और वो रोलिंग पीरियड होगा 6 मंथ्स के बाद, वो ऑटोमेटिकली रोल होता रहेगा हर 6 मंथ्स। सो यहाँ पे सबसे जरूरी बात ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो सारे कंडीशंस है आपको थरोली रीड करना है सारे कंडीशंस को, क्योंकि अलग अलग क्लॉजेस होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरूर उनसे पूछे कि व्हाट डज दिस कंडीशन मीन और व्हाट डज दैट क्लॉज मीन, वो जरूर आपको क्लैरिटी करके बोलेंगे पूरा। लेकिन प्लीज मेक श्योर आप 1 या 2 दिन लगाइए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को, क्योंकि बड़ा बुकलेट जैसे होता है, लेकिन मेक श्योर आप सारे कंडीशन समझे, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते, ऐसे साइन मार देते, फिर बाद में जब कुछ हो जाता है, कुछ लोचा, वो बोलता है कि हाँ ये तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, और आप बोलेंगे मुझे तो पता भी नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूं। यू नो ऐसे अगर सिचुएशंस को आपको एस्केप करना है तो जरूर 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 कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़िए। Cool. And how much do you think they should check the affordability rate? हाँ, तो affordability rate, जैसे अगर आपका rent 35% of your earnings रहना चाहिए on an average, because जैसे rent है ये सिर्फ एक separate unit है, rent के ऊपर भी आपको काफी सारा pay करना पड़ेगा घर के मामले में, जैसे water bill हो गया, gas bill हो गया, electricity bill हो गया, फिर council tax, इन सब के बारे में भी हमने हमारे previous vlog में cover किया है, which is the cost of living in the UK. तो जरूर उस हिंदी vlog को भी आप check कीजिए। Anyway, यहाँ पे rent एक अलग unit है, उसके ऊपर आपको काफी सारे bills भी पड़ेंगे, तो make sure कि rent around 30-35% of your total earnings होना चाहिए। Absolutely. Cool. And the next thing is which areas people should target as and how to check for the safety. अब आप एक नए घर में जा रहे हैं और minimum 6 months तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा। So make sure आपका एरिया काफी पीसफुल हो, क्राइम फ्री हो। Of course, 100% क्राइम फ्री शायद ही कोई प्लेस हो दुनिया में, लेकिन जरूर पोस्ट को चेक कीजिए। ऑनलाइन में ऐसे वेबसाइट्स है जहां जब आप अपना पोस्ट को डालेंगे उस वेबसाइट में, वो सारे क्राइम्स के बारे में बताएगा आपके एरिया के आजू बाजू, अगर मंगिंग है या बर्गलरी है या थेफ्ट्स वगैरह होने के चांसेस है, वो सारा आपको बताएगा लिस्ट में। ऐसे काफी सारे ट्रस्टेड गवर्नमेंट साइट्स हैं, तो जरूर अपना पोस्ट कोड पहली दफा चेक कीजिए। अगर बहुत ही ज्यादा क्राइम है एरिया में,
प्लीज 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 वो एरिया में मत जाइए, कोई दूसरे एरिया में जाइए जो ज्यादा सेफर होगा आपके लिए. क्योंकि कम ऑन, जो आपका घर है, यू नो, आप रेंट के ऑब्वियसली आप रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना, मन की शांति दिमाग की शांति से और कुछ बड़ा नहीं है दुनिया में. तो जरूर आप प्लीज अपना पीस ऑफ माइंड चूज कीजिए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें हो रहे हैं, अनसेफ है आपके लिए ट्रैवल करना, आप ऑब्वियसली काफी दिन खुशी से नहीं रह सकते ऐसे एरिया में. सो जरूर अपना रिसर्च कीजिए एंड जरूर ये चेक कीजिए कि एरिया कितना सेफ है या कितना सेफ नहीं है. यस, एंड इफ यू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट यू माइट लूज योर डिपॉजिट. कूल. एंड द नेक्स्ट वन, द डॉक्यूमेंट्स people need for signing up the contract. So obviously agar dusre desh se abhi obviously hum assume kar rahe ki jo Indians dekhenge ye unko kafi useful hoga, to zarur apna visa, valid visa ready rakhiye aur apna passport ready rakhiye. This aapko zarur submit karna padega letting agents ke yahan pe ya landlords ke yahan pe zarur submit karna padega. If some letting agents also do ask for HR letter just in case if you are working professional, so that can be considered as well. Yeah. Cool. And you know, रिगार्डिंग द स्मोकिंग एंड पेट्स, क्या क्या सोचना पड़ेगा? कहीं एरियाज में, जैसे अगर आप अपार्टमेंट में मूव कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट हाउसेस में मूव कर रहे हैं रेंट के मामले में, कई एरिया में काफी डिफरेंट रूल्स होते हैं. कोई एरियाज में ये होता है कि पेट्स आर नॉट अलाउड, स्मोकिंग इज कम्प्लीटली नॉट अलाउड. कोई एरियाज में होता है कि डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया होता है बिल्डिंग के बाहर. सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लीज ये रूल्स फॉलो कीजिए. अगर आपके पास पेट्स है और पेट ओनर्स है एंड वो एरिया में पेट्स अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको कोई और एरिया चूज करना पड़ेगा. Nothing more to say there. Yeah. Similarly, smoking के मामले में भी please be very careful, क्योंकि काफी सारे fire accidents होने के chances हैं ऐसे countries में, क्योंकि काफी insulations वगैरह बहुत होते हैं ना यार. So उसके हिसाब से भी safety measures follow कीजिए. Do you think people need to check each and everything like fixture and fittings and everything before moving? तो अब ये हो गया, आपने अपने letting agent या landlord से बात कर लिया, घर देख लिया etc. Contract देख लिया. अभी before moving in, before signing the contract, main step ये है कि आप जिस घर में भी आप सोच रहे जाने के लिए, उस घर के हर रूम में हर अप्लायंस, हर चीज, जैसे चेयर हो, टेबल हो, वॉशिंग मशीन हो, टोस्टर हो, कुछ भी, यू नो, हीटर्स हो, कारपेट्स हो, वॉल्स हो, आप हर चीज करेक्ट है या नहीं आपको देखना पड़ेगा. जैसे कि अगर वॉल में पेंटिंग का कुछ स्क्रैच है या कुछ, ये आपको उसको नोटिफाई करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को कि देखिए इस वॉल में ये धब्बा है, मैंने नहीं किया, ये पहले से है. और आपको अपने बुक में नोट करना पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट में नोट करना पड़ेगा. अगर वो नया पेंट डालेगा या वो उसी तरह से छोड़ देगा, वो उसका उसकी मर्जी है. सिमिलरली कारपेट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सिमिलरली अगर हीटर्स काम नहीं कर रहा है, ये सब आपको चेक करना ही पड़ेगा. क्योंकि जब आप एक बार अंदर मूव इन हो जाए और आप जब आपका टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म हो जाए, यू आर रेडी टू मूव आउट, ऐसा ना हो कि ये सारी चीजों का बिल वो आपके ऊपर डाले. क्योंकि ये ऐसे चीजें होते हैं, हमारे राघव के साथ ये हुआ है पास्ट में. तो यार थोड़े लोग उल्लू बनाने की भी कोशिश करते हैं और अपना उल्लू बन भी गया यहाँ पे. तो ओके, आपको उल्लू बनने की जरूरत नहीं है. प्लीज हमारे वीडियो देखिए और ये सीखे कि उल्लू कैसे ना बने. तो प्लीज अगले वीडियो पे बहुत लोग अच्छे होते हैं बट बोल नहीं सकते ना. थोड़े लोग ऑब्वियसली टोपी लगाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अरे ये बाहर से, इनको पता नहीं, ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं. सो जस्ट बी केयरफुल. And regarding checking the bills, as in, you know, meter readings and... एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आपने डिसाइड कर लिया आप मूव इन हो रहे हैं, सब शिफ्ट शिफ्ट हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, आपका वाटर रीडिंग, गैस मीटर रीडिंग और इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग, ये तीनों रीडिंग्स आप लिखिए अपने पेपर और बुक में और अपने सर्विस प्रोवाइडर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करता है उनको कॉल कीजिए, गैस जो प्रोवाइड करता है उनको कॉल कीजिए और वाटर जो प्रोवाइड करता है उनको कॉल करके आपको ये रीडिंग देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा. एंड आप बोलेंगे कि माई नेम इज XYZ और मैं आज मोबाइल हो रहा हूं और ये है मेरे मीटर के रीडिंग्स. तो इससे क्या लाभ है, इस पर्टिकुलर मीटर रीडिंग से ही आपका बिल शुरू होगा, मतलब आपका खाता शुरू होगा. तो इसके पहले जो भी रहता था, जो भी मीटर रीडिंग था, उससे आपका कोई संबंध नहीं है. सो दैट वे किसी और का बिल आपको भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ आज के रीडिंग से आपको बिल भरने की जरूरत पड़ेगी. सो दैट्स व्हाट यू आर क्लियरिंग दैट. That's a nice one. And regarding the meter readings, we had it all. Huh? And check for any repairs like boiler and heater. Boiler and heater. ये जो electric appliances भी है, उसका भी आप एक बार पूरा check कीजिए. अगर कुछ काम नहीं करा है, fridge, boiler, heaters, toasters, etc., etc., etc. Absolutely. सब कुछ check कीजिए. And अगर कुछ काम नहीं करा है, जरूर अपने letting agent और landlord को inform कीजिए. जैसे मैंने कहा, ऐसा ना हो कि आखिर में सारा बिल वो आपके ऊपर डाले. You know? तो just make sure आपका घर amazing condition में आप जहाँ भी जा रहे हैं. Main takeaway points ये है कि
एरिया का काफी अच्छी तरीके से चेक कीजिए, मेक श्योर इट्स अ सेफ एरिया, क्योंकि कम ऑन, दूसरे कंट्री से आने पे ही हमको इतना सारा होम सिकनेस, ये वो सारा ऑलरेडी बहुत मसाला से डील करते रहते हैं हम. लेकिन अगर एक पीसफुल एरिया में आप हो, देन यू कैन मेक अ गुड स्टार्ट, यू नो, फॉर योर फ्यूचर. एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक दोज आर द मेन टिप्स यू गाइस शुड बी कंसिडरिंग. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आई एम श्योर यू नो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जरूर हमारे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपना सजेशन दीजिए, एंड वी लव टू हेल्प यू आउट. एंड हमारे चैनल में काफी सारे अलग वीडियोज भी है, क्रेजी वीडियोज है, ट्रैवल वीडियोज है, ऐसे वार्तालाप करने के वीडियोज भी है. तो जरूर हमारे सारे वीडियोज चेकआउट कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, जरूर वो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए. यस, सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, बाय.